गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज से। तो ये देखो गाइज, अभी हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग हावड़ा ब्रिज से स्टार्ट कर रहे हैं व्लॉग को। और गाइज, हावड़ा ब्रिज क्या ही लग रहा है, मतलब मस्त लग रहा है। यहाँ का व्यू आप लोग देखो, मजा आ गया मतलब यहाँ का। तो आज है फ्राइडे, अभी हम लोग बड़ा बाजार होकर आ रहे हैं। पूरा रास्ता पूरा जाम था। जैसे कि आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग को प्लान अपना बना था पिज्जा हट जाने का, तो वो भाई अपना कैंसिल हो गया था क्योंकि अपना बाबू उठ गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो आज आप लोगों ने जैसे टाइटल और थंबनेल में देखा कि आज हम लोग जा रहे हैं अभी पिज्जा हट में। एक ही बार जाते हैं, वहां जीडी रोड पहुंच जाते क्योंकि वहां पार्किंग का बहुत बड़ा इश्यू होता है। वहां पर हम देखे हैं पार्किंग जल्दी वहां पे मिलता नहीं है, तो एक ही बार जाते हैं, फटाफट से वहां पहुंचते फिर आप लोग से मिलते हैं। सो मिलिए दो मेहमान से, अनु और यहाँ पर अंकित। और छोटा वो मेहमान कहाँ गया? हाँ, उसको क्यों छोड़ दी, लेके आना चाहिए उसको भी। तो छोटा मेहमान अभी घर पे है और हम लोग अभी निकल गए टोटो से, देख सकते हो गाड़ी हम लोग लगा दी अपने वहाँ पर, क्योंकि भाई इतना रास्ता यहाँ पे जाम है। और अभी हम लोग टोटो से जा रहे हैं। कौन सा स्कूल है ये? सेंट डेनिस स्कूल है। अनु यहाँ पढ़ती थी ना, तो अभी हम लोग जा रहे हैं टोटो से, गाड़ी अपना हम लोग लगा दी वहाँ पर। एक ही बार जब वहाँ पहुँच जाते फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये रास्ता आप लोग देखो कितना पतला रास्ता है, यहाँ से गाड़ी जाएगा कभी नहीं जा पाएगा। ऑल राइट, सो अभी हम लोग आ चुके हैं पिज्जा हट के यहाँ पे आउटलेट में, और यहाँ पे आपको मेन्यू दिखा दे क्या क्या है। तो अभी हम लोग आ गए रंगोली मॉल में, और आपको बता दे क्या स्कैम हुआ हम लोग का पिज्जा हट में। एक बार जाते हैं डोमिनोज में, उसके बाद बैठते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रंगोली मॉल के डोमिनोज में, और अंकित बताएगा कि क्या वहाँ पे स्कैम हुआ हम लोग के साथ। पिज्जा गया था, क्या स्कैम हुआ अंकित? हम लोग को वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर दिया गया, तो हम लोग इधर डोमिनोज आ गए। मतलब रंगोली मॉल में पता नहीं हमको क्या प्रॉब्लम, हमको समझ में नहीं आता। हाँ, कि वीडियो में वो लोग को क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगा अगर रिकॉर्ड हो जाए। बोल रहे कि रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है, मॉल्स में अलाउड है। ये तो भाई कोई नियम ही नहीं है। मतलब वीडियो में भाई उसका फ्री का प्रमोशन हो जा रहा है उसका, तो छोड़िए कोई बात नहीं। अभी हम लोग आ गए डोमिनोज, अपना पिज्जा का प्लान कैंसिल हो गया। अभी हम लोग आ गए डोमिनोज में, और देखते हैं भाई क्या ऑर्डर करते हैं हम लोग। तो अंकित देखो क्या क्या ऑर्डर करना है। अनु भी है यहाँ पर, वो हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किया चिकन डोमिनेटर, है ना। चिकन डोमिनेटर में भाई पूरा चिकन को डोमिनेट करेगा, डबल पेपर बारबेक्यू, पेरी पेरी चिकन, चिकन टिक्का, ग्रिल चिकन, मतलब जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे कॉम्बो ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्गरेटा पिज्जा आपको 99 में मिलेगा, और चॉकोलावा केक भी 99 में। तो एक तो यहाँ पे ऑफर चल रहा था सुपर वैल्यू कॉम्बो, तो हम लोगों ने दो यहाँ पे ऑर्डर कर दिया। एक ही बार जब आता है तो फिर आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। इसका प्राइस आप लोग देख लो, यहाँ पे रेगुलर हम लोगों ने ऑर्डर किया है 359, और मैग्नेटा का 99, और चॉकोलावा केक का 99। ठीक है, तो एक ही बार जब आ जाता है पिज्जा फिर आप लोगों को दिखाते हैं। Sometimes, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place. अपना पिज़्ज़ा डिलीवर हो गया यहाँ पर, और कौन कौन सा पिज़्ज़ा आपको एक बार खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। पिज़्ज़ा के साथ आपको यहाँ पर अलग से आपको ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स नहीं मिलता, यहीं पे आपको रखा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ में यहाँ पे आपको टोमेटो केचप भी मिल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, अलग से देने का कोई झंझट नहीं है। ऐसे ही आप लोग इसमें से लेके आप लोग डाल सकते हो। तो ये अपना पिज़्ज़ा आ गया, अपना खोल लिए हम लोग। ये कौन सा है? डोमिनेटर। तो ये अपना चिकन डोमिनेटर पिज़्ज़ा है, और ये मैग्नेटा पिज़्ज़ा जो हम लोग ने ऑर्डर किया था, और ये चोकोलावा केक है जो कि हम लोग लास्ट में इसको खाएंगे। एक बार थंबनेल के भाई फोटोज ले लेते हैं, उसके बाद फिर खा के टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो भाई यहाँ पर हम लोग टेस्ट करके बताते हैं ये मैग्नेटा पिज्ज़ा कौन सा पहले ट्राई करना अंकित। ये मैग्नेटा पहले ट्राई करते हैं, मतलब पहले पिज्ज़ा हम लोग ट्राई करते हैं, उसके बाद ये चिकन वाला बाद में इसको ट्राई करेंगे। अभी ठंडा हो जाएगा, इसको पहले रख देते हैं साइड में। और चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये ओरिगैनो है, ये चिली फ्लेक्स है, और यहाँ पर आपको टोमेटो केचप भी मिल जाएगा। टोमेटो केचप से खाते हैं अंकित? नहीं। अनु टोमेटो के हिसाब से तुमको खिलाए थे उस दिन, याद है? अरे एक बार खा के देखो फिर आज का। ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा है। चलो भाई अनु ट्राई करो, कौन
कौन सबसे पहले ट्राई करेगा? नहीं नहीं, तुम पहले ट्राई करो, अंकित ट्राई करेगा पहले। अंकित सबसे पहले ट्राई कर रहा है। कैसा है, गरम है? काफी अच्छा है, गरम है। हाँ, टेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चिली फ्लेक्स नहीं डाला? डाल दिया। और ये ने भी डाल दिया ना। टेस्ट कैसा? अच्छा है, काफी अच्छा है। चलो अंकित तो ट्राई करके बता दिए कैसा टेस्ट है, अब अनु ट्राई करेगी। अनु ट्राई कर रही है अभी, हम सबसे लास्ट में करेंगे ट्राई। बढ़िया। अनु बहुत दिन के बाद फूड रिव्यू दे रही है ना, बहुत दिन हो गया है ना। कैसा लगा तुमको पिज्जा हट से कंपेयर करे तो? अच्छा, पूरा चीज है ना ये तो। चलो भाई अब हम ट्राई करके बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। और अनु का ये वॉच अच्छा लग रहा है। चलो भाई ट्राई करते हैं अभी पिज्जा। चीज का काफी अच्छा फ्लेवर है, फ्लफी फ्लफी है, टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है। अंकित कैसा लगा तुमको? काफी अच्छा था। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम सब कुछ है नहीं, नॉर्मल आपको चीज़ है। उसमें मैं ओरिजिनल और चिली फ्लेक्स डालती हूँ, बढ़िया लगा। एक बार इसको खा लेते हैं, उसके बाद फिर डोमिनेटर ट्राई करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अभी ट्राई कर लिए मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और यहाँ पे अपना जो है चिकन डोमिनेटर, इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पेरी पेरी चिकन है, चिकन सलामी है, क्या क्या इसमें, चिकन बारबेक्यू, बारबेक्यू है, चिकन सलामी है, पेरी पेरी चिकन है, जितना भी फ्लेवर्स होता है चिकन का सब इसमें डाल दिया। और इसमें अभी हम लोग ऑर्गेनो इसमें डाल दिए हैं, और इसको हम लोग खाएंगे ये टमाटो केचप के साथ। एक ही बार खाते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलिए अब ये चिकन डोमिनेटर को ट्राई करते हैं। चिकन डोमिनेटर को चीज़ इसमें अच्छा भरा हुआ है, टॉपिंग्स आप लोग देख ही सकते हो, पेरी पेरी चिकन है, चिकन बारबेक्यू है और चिकन सलामी है। इसको हम लोग ट्राई करेंगे टोमेटो केचप के साथ। ये भाई केचप लगाए, चिकन का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें, पहले देखिए चिकन का, और बारबेक्यू भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे, चीज़ पूरा भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टॉपिंग अंकित ने सजेस्ट किया था आपको ट्राई करने के लिए, थैंक यू अंकित, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप तुम लोग ट्राई करो उसके। हम तो ट्राई कर लिए चिकन का भाई, एक नंबर फ्लेवर इसमें आ रहा है। अब अंकित ट्राई करेगा, और अंकित अभी ले लिया। कैसा आ रहा है चिकन का फ्लेवर? पूरा अच्छा भरा हुआ है, और चीज़ पूरा भरा हुआ है ना, चीज़ का टॉपिंग इसमें काफ़ी अच्छा दिया है, और चिकन भी काफ़ी लोडेड है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पूरा चीज़ जितना तरह का चिकन है सारा फ्लेवर इसमें, चिकन सॉसेज हर एक चीज़ है, बढ़िया लगा। अब आ रही है अनु का, अनु सबसे लास्ट में ट्राई करेगी। चीज कैसा है? चीज भी अच्छी है, केचप के साथ अच्छा लगा। हम बोले ना, तुम बोली नहीं केचप के साथ नहीं अच्छा लगेगा, हम बोले एक बार ट्राई करके देखो कैसा लगता है। क्योंकि तुम भी एक बार ट्राई कर सकते हैं केचप के साथ, अंकित भी ट्राई कर रहा है अभी केचप के साथ। वो थोड़ा टैंगी टैंगी फ्लेवर टाइप नहीं आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अनु कैसा लगा, कितना रेट दोगे इसको? 10 out of 8 अंकित? 9 इसको हम 9 देंगे, हम भी 9 ही देंगे। ऑलराइट, सो हम लोग का पिज्जा खाना अपना हो गया, और हमको लास्ट हम लोगों का कौन सा है, अनु चॉकोलावा केक, वो हम लोग ट्राई करेंगे। अनु ट्राई करेगी, अनु का फेवरेट है। बाय क्यों कर रही हो, अभी ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी बाय क्यों कर रही हो, अभी तो ब्लॉग स्टार्ट ही हुआ है, तुम बोलिए ब्लॉग को एंड करेंगे, बाय मत करो अभी, ये ट्राई करना बाकी है। वो चॉकोलावा केक भी ट्राई करना है, पैकिंग काफ़ी अच्छा किया है ना, गरम है कि भी ठंडा है, गरम गरम है। अभी हम लोग जब पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिए थे तभी आ गया था। अब अनु ट्राई करेगी, गरम है कि नहीं, एकदम गरम है। चलो अनु ट्राई करो, कैसा
कैसा है? अभी भी वैसे ही है। तुम तो ये ऑर्डर करती थी जब भी आती थी डोमिनोज ना। अंदर का चॉकलेट कैसा वो देखो पहले। ये भाई मेरे को सही लगता है, ये चॉकलेट जब ऐसे निकलता है ना काफी अच्छा लगता है। चलो अनु ट्राई करो। तो ट्राई तो कर ही ली तुम। चॉकलेट के साथ कैसा लग रहा? बढ़िया। अब चॉकलेट के साथ ट्राई की कैसा लगा तुमको? हाँ चलो अब हम ट्राई करते हैं कैसा है। कुछ नहीं भाई ट्राई करते हैं। एकदम पूरा मेल्टिंग चॉकलेट आप लोग देख ही सकते हो, पूरा चॉकलेट एकदम मेल्ट हो गया इसमें। ट्राई करते हैं भाई, पूरा गर्म है अभी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना संकेत? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, डोमिनोज का ये बेस्ट है। ये जो फ्लेवर आता है ये ये डार्क चॉकलेट का ना, ऐसे ही आप निकाल लेना, बहुत बढ़िया। तो गर्म रहने से ना क्या टेस्ट भी काफी अच्छा है। काफी अच्छा हो जाता है। ऑल राइट, सो अभी हम लोग निकल गए डोमिनोज से। और कैसा लगा अंकित? अच्छा लगा। बढ़िया था ना? हाँ। अनु कैसा लगा तुमको? बढ़िया था, काफ़ी अच्छा था पिज़्ज़ा उनका। अच्छा चोकोलावा केक भी अच्छा था और उनका उसका जो पिज़्ज़ा भी जो था हम लोग ऑर्डर किया था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी हम लोग जा रहे बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, है ना? आइसक्रीम खाना है तो तो अभी हम लोग जाते हैं बाहर आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद फिर इस वाले ब्लॉग को भी हम लोग एंड करेंगे। निकले, इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है आज, बाप रे बाप। हाँ अंकित, बहुत गर्मी आज, इतना ज़्यादा गर्मी आज हुआ है ना अंदर, एकदम एसी में था पता ही नहीं चला था, जैसे बाहर आए इतना ज़्यादा अभी गर्मी लग रहा है। तो जा रहे हैं अभी हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए, एक ही बार जाओ वहाँ जाते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। अभी हम लोग आगे आइसक्रीम लेने के लिए, जस्ट रंगोली मॉल के जस्ट बगल में यहाँ पर मिल जाएगा। ऑल लाइट्स, कल वहाँ आइसक्रीम खाते खाते बैटरी एकदम लो हो गया और मतलब उसके बाद हम लोग व्लॉगिंग कर ही नहीं पाए, तो बैटरी एकदम लो हो गया था, 5% हो गया था, इसलिए भाई रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। अपना आइसक्रीम हम लोगों ने खाया वहाँ पे, हम लोगों ने कॉर्नेटो लिया था जो कि हम और अंकित खाया, तो अनु तो खाई नहीं क्योंकि उसको थोड़ा जुकाम टाइप लग रहा था तो इसलिए वो ली नहीं, तो हम और अंकित ही लिए थे कॉर्नेटो। और वो खाते खाते भाई हम सोचे थे कि व्लॉग हम बनाएंगे वहाँ जाकर, तो एकदम फोन ही अपना मतलब बैटरी लो हो गया था कि उसके बाद कुछ हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग घर आके इस वाले व्लॉग को भी एंड करना है। तो बोलेंगे कि पिज्जा हट का ये जो मतलब वीडियो नहीं बनाने दिया ना, ये काफी भाई मेरे को बहुत ही खराब लगा। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं समझ में आया कि वीडियो बनाने में क्या ही उनको प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर। वीडियो अगर बनाते भी है तो वो तो अपने पर्पज के लिए हम लोग बना रहे हैं, उनका तो कुछ हो नहीं रहा है। अभी हम लोग का स्टेट को ना ग्रो होने में बहुत टाइम लगेगा, मेंटेलिटी यहाँ का जो है ना एकदम बहुत ही लो है, तो ये इसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई वीडियो बनाने में क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है हमको, जब बनाने में प्रॉब्लम नहीं है हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। फिर भी कोई नहीं, इसलिए तो भाई हम लोगों को तो पिज्जा खाने का क्रेविंग था तो हम लोग चले गए भाई। पिज्जा अगर खाना भी है तो भाई बहुत ऑप्शन है, पिज्जा हट के अलावा भी बहुत ऑप्शन था, तो हम लोग गए थे डोमिनोज। तो वहीं का आप लोगों ने व्लॉग देखा और आप लोगों को तो अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। इस तरह से ऐसे ही अभी कंटेंट आपको मिलेगा देखने, फूड व्लॉग थोड़ा। अगर आपको अच्छा लगा ये पिज्जा वाला व्लॉग तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो जरूर से भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।